Let us see once again. What is our question? Show that the three lines with direction cosines, these are direction cosines of three lines, are mutually perpendicular to each other. हमको prove करना है. तो पहली जो line है बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? Let us consider this as P. Second line this as Q. And third line is R. So what are the DCs of first line? 12/13. -3/13, -4/13. Second line, 12/13, 4/13, 12/13, 3/13. Third line जो है, 3/13, -4/13, 12/13, right? तो बच्चों यहां देख लीजिए कि हियर थीटा बी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एल वन इंटू एल टू. सो व्हाट इज हियर? कॉल दिस एज एल वन, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3 और M3. ठीक है बच्चों, इट इज 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस 4/13 इंटू 3/13. देखिए बच्चों 12/4 इट इज 48/169 प्लस -36/169 प्लस -12/169. सो डिनोमिनेटर इज same 169, 48 minus this is 48 is equal to 0. So cos theta is equal to 0. This implies cos theta is equal to cos pi by 2. So theta is equal to pi by 2. So this implies bachcho P is perpendicular to Q. क्योंकि एंगल बिटवीन देम वी हैव टेकन थीटा. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल टू इंटू एल थ्री प्लस एम टू इंटू एम थ्री प्लस एन टू इंटू एन थ्री. दिस इज इक्वल टू बच्चों 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12 इंटू -4/13 प्लस एन टू मीन्स व्हाट? 3/13 इंटू 12/13. व्हाट विल बी दिस बच्चो? 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169. ये क्या हो जाएगा बच्चों? यू कैन राइट हियर 48/169 माइनस 48/169. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो दिस इंप्लाइज Q is perpendicular to R. Now we have proved P is perpendicular to Q and Q is perpendicular to R. So I can write P is perpendicular to Q, Q is perpendicular to R. This implies P, Q and R lines
are perpendicular to each other. बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू. शो दैट द लाइंस थ्रू दिस पॉइंट्स. ये पॉइंट एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू वन माइनस वन टू थ्री फोर और माइनस टू. फिर दूसरी और एक लाइन सी जीरो थ्री टू थ्री फाइव सिक्स. हमको क्या करना है बच्चों कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसा बोलना है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू. हम लोग क्या करेंगे यहां पर डी आर ऑफ ए बी निकालेंगे. विल कैलकुलेट डी आर ऑफ ए बी. ए वन इज इक्वल टू थ्री माइनस ऑफ माइनस वन. ये फोर आ जाए. बी वन इज इक्वल टू फोर माइनस. देखिए बच्चों थ्री माइनस वन आएगा. ये दिस इज टू आएगा. फोर माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन. दिस इज इक्वल टू फाइव. सी वन इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू. दिस इज माइनस फोर. नाउ डी आर ऑफ सी डी निकालेंगे. ए टू व्हाट इज ए टू बच्चो. ये थ्री माइनस जीरो थ्री आएगा. फाइव माइनस थ्री टू आएगा. सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर. नाउ व्हाट वी डू. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 2 into 3, 6, 5 into 2, 10, minus 4 into 4, minus 16. So it is 16 minus 16 is equal to 0. That is A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equal to 0. This implies AB is perpendicular to CD. देखिए बच्चों sum of the product of DRs is equal to 0 आता है then two lines are perpendicular to each other. Now let us see next question बच्चों. Question number 3. अब यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया है कि फोर सेवन एट और ये बी पॉइंट टू थ्री फोर सी पॉइंट माइनस वन माइनस टू वन डी पॉइंट है वन टू और फाइव है. तो मीन्स लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी. तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों कि डी आर ऑफ ए बी एंड डी आर ऑफ सी डी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दैट मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर आता है. मीन्स डी आर आर प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो लेट डी आर ऑफ ए बी ए वन
तो डी आर कैसे लेते हैं निकालते बच्चों, एक्स टू माइनस एक्स वन इज टू माइनस फोर माइनस टू, थ्री माइनस सेवन माइनस फोर, फोर माइनस एट इट इज माइनस फोर. डी आर ऑफ सी डी निकालते बच्चों, ए टू बी टू और सी टू बोलेगा, वन माइनस ऑफ माइनस वन ये टू आएगा, टू माइनस ऑफ टू ये फोर आएगा, और फाइव माइनस वन ये फोर आएगा. नाउ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू निकालेंगे बच्चों, माइनस टू अपॉन फोर माइनस वन बाई टू, बी वन अपॉन बी टू माइनस वन, बी वन अपॉन बी टू माइनस फोर अपॉन फोर माइनस वन, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन माइनस फोर फोर माइनस. देखिए बच्चों यहां पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू C1 upon C2. So this implies AB is parallel to CD. चलिए let us see question number 4 बच्चों. Find the equation of line which is passing through 1, 2, 3 and is parallel to this vector. देखिए बच्चों, एक लाइन है. It is passing through 1, 2, 3 and this is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k. Okay. तो इसका vector, इसका position vector ये बोलेगा. Position vector ये is equal to क्या हो जाएगा, i plus 2j plus 3k क्या पाएगा. इसका this line is parallel to this vector, that means वेक्टर बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा पैरेलल वेक्टर को लेकर थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप बराबर है. सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा लेंगे बच्चों, वेक्टर इक्वेशन हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी. सो वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट इज आवर वेक्टर ए, आर प्लस टू जे प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी क्या है, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप. ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन. हम लोग कार्टेशियन व्हील कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y वन अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z वन अपॉन c. तो देखिए बच्चों, x माइनस तो दिस इज x वन y वन और z वन हो जाएगा, x वन y वन z वन और x माइनस वन अपॉन ये मीन्स क्या है बच्चों, ये होता है डी आर दिस इज थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू, बी बोले तो कोई पेशेंट ऑफ जे लेना है डी आर, जेड माइनस ये थ्री जेड वन, सी बोले तो ये माइनस टू लेंगे कोई पेशेंट ऑफ. सो इन दिस वे वी कैन राइट. ओके बच्चों, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. Find the equation of the line in vector and Cartesian form passing through. देखिए बच्चों, यहां पे वेक्टर ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में. व्हाट इज आवर वेक्टर ए, दिस इज
2i minus j plus 4k cap. Barabar. And its direction vector I plus 2j minus k cap. वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b है. वेक्टर r इज इक्वल टू ये वेक्टर a का मतलब क्या है बच्चों? 2i माइनस j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू ये b वेक्टर i प्लस 2j माइनस k कैप. ओके अभी देखिए बच्चों हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिखो. कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमको चाहिए बच्चों एक्स वन वाई वन छेड वन ए बी सी चाहिए, डी आर भी चाहिए. तो एक्स वन वाई वन छेड वन क्या हो जाएगा हमारा देखिए. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर से हम लोग निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के विल बी एक्स वन वाई वन जेड वन ये टू कॉमा माइनस वन कॉमा फोर. कोएफिशिएंट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के ऑफ डायरेक्शन वेक्टर विल बी ए बी सी वन टू माइनस वन. ठीक है तो व्हाट इज इक्वेशन बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. एक्स वन मीन्स टू है टू अपॉन वन वाई माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन अपॉन टू जेड माइनस फोर अपॉन. So this is Cartesian equation. So this is question number 5. Let us see bachcho question number 6. Find the Cartesian equation of the line which passes through this point. Hame Cartesian equation likhna hai minus 4 minus 2 4 and minus 5. So line is passing through this point. So we will call this as x1 y1 z1. This line is parallel to the line. इस line को parallel है बच्चों. तो इस line को parallel है तो इसके drs लेना है यहाँ से. तो a is equal to 3, b is equal to 5, c is equal to 6 हो जाए. So therefore we can write Cartesian equation of given line. x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. x minus x1 is minus 2 to a plus 2 ho jayega upon 3 y minus 4 upon 5 z minus of minus 5 plus 5 ho jayega upon 6. ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया बच्चों. वी विल राइट वेक्टर इक्वेशन आल्सो. लेट अस राइट वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b. ठीक है तो वेक्टर r इज इक्वल टू यहां से हम लोग वेक्टर a निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी वेक्टर a बच्चों? माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा इन. तो वेक्टर बी कैसे निकालना है? देखिए दिस लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन. ये डायरेक्शन वेक्टर के वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर के डी आर होंगे 3 5 6. सो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप ये हो गया है वेक्टर इक्वेशन. लेट अस टेक बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. The Cartesian equation of a line is write its vector equation. देखिए बच्चों यहाँ पर Cartesian equation में दिया है.
3x minus 5 upon 3 is equal to y minus of minus 4 लिखेंगे upon 7 is equal to z minus 6 upon 2. इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है बच्चों को. तो x1 is equal to 5, y1 is equal to minus 4, z1 is equal to 6. और वेक्टर b is equal to 3i cap, यहां से ले रहा हूं बच्चों मैं, प्लस 7j cap प्लस 2k cap. So therefore वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे हम लोग ये इसलिए दिस इंप्लाइज वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप आएगा. वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b. वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा इनटू ये वेक्टर b है 3i cap plus 7j cap plus 2k cap. This is required vector equation. Question number 8 देखिए बच्चों. Find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the origin is 0, 0, 0, 0. And 5 minus 2, 3. You can call this as x1, y1, z1, x2, y2, z2. देखिए बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है, इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है. वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हमको चाहिए बच्चों वेक्टर r is equal to वेक्टर a plus lambda into बराबर है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलिए ये बोलिए और इसको बी डी आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाइव माइनस जीरो कॉमा माइनस टू माइनस जीरो कॉमा थ्री माइनस जीरो. So this is 5 minus 2 or 3 are ready. Okay. Therefore, vector b is equal to direction vector yahan se likh sakte 5i cap minus 2j cap plus 3k cap. Right. Abhi hum logon ko vector a nikalna hai. Vector a bole to ye this is 0i cap plus 0j cap plus 0k cap. तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, वेक्टर r इज इक्वल टू ये तो क्या 0 वेक्टर आ जाएगा बच्चे. दिस इज और यू कैन राइट 0 i cap plus 0 j cap plus 0 k cap plus lambda into 5 i minus 2 j plus 3 k cap आएगा. अभी हमको क्या लिखना है बच्चों कि कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. तो x माइनस 0 अपॉन a मींस क्या है बच्चों 5 इज इक्वल टू y माइनस y1 0 अपॉन माइनस 2 is equal to z minus 3 upon z minus 0 z minus z1 upon a 3 that is x upon 5 is equal to minus y upon 2 is equal to z upon 3. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों.
find the vector and Cartesian equation of the line. वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए 3 - 2 - 5 ये बोलिए इसको, और b 3 - 2 और ये 6 है. You can call this as x1 y1 z1 x2 y2 z. अब वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए हमको चाहिए बच्चों वेक्टर, ये चाहिए. तो दिस इज 3i cap - 2j cap - 5k cap बराबर. और वेक्टर बी निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे इसके डायरेक्शन dr ऑफ ab. कैसे निकालते बच्चों, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 ऐसे निकालते. 3 - 3, -2 + 2, 6 + 5 0, 0, 11. वेक्टर b इज इक्वल टू 0i cap + 0j cap + 11k cap आएगा, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b. दिस इज 3i cap - 2j cap - 5k cap plus lambda into, I can write directly it as हम लोग इसको 11k cap लिख सकते हैं. Okay. अभी हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, x - x1 / e, y - y1 / b, z - z1 / c. x - x1 क्या है, उत्तर हमारा 3 है, ये क्या है 0, y - y1 क्या है हमारा +2 / 0, z - z1 / 5 है. To find the angle between टू लाइंस का एंगल निकालना है क्वेश्चन नंबर 11. वेक्टर r इज इक्वल टू 2i cap - 5j cap + k cap + λ इनटू 3i cap + 2j cap + 6k cap. दूसरी लाइन है बच्चों वेक्टर r इज इक्वल टू 7i cap - 6k cap + μ (i + 2j cap + 2k cap). तो देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस मीन्स angle between their direction vectors, पहली जो line है बच्चों उसका direction vector हम लोग vector b1 बोलेंगे. vector b1 is equal to 3i + 2j + 6k cap. दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये i + 2j + 2k cap. सो एंगल बिटवीन लाइंस cos θ इज इक्वल टू वेक्टर p dot b1 dot vector b2 upon magnitude of vector p1 into magnitude of vector p2. देखिए बच्चों इसका magnitude निकालते हैं.
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्या आएगा, अंडर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये आ जाएगा बच्चों 40 प्लस 9 49, तो ये आएगा ये रूट 49 आ गया, 47 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू निकालते हैं, अंडर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 3 आ गया। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू निकालना है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट आई प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 7 इंटू 3 आएगा ये। सो दिस इंप्लाइज इसका डॉट को प्रोडक्ट करना है, बोले तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के करना है, बोले तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 1 और 2 प्लस 6 2 इंटू 2 4 आएगा बच्चों यहाँ पे 6 इंटू 2 12 आएगा अपॉन 21 दैट इज 19 अपॉन 21 आएगा कॉस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 21। This is question number 10. Now let us see बच्चों question number 10 में का second question देखो। यहाँ second question ये देखना है। यहाँ पर हम लोग vector b1 निकाल देंगे। I minus j minus 2k क्या? Vector b2 is equal to क्या है? तो ये है। Direction vector ले रहे हैं बच्चों से। 3i क्या माइनस 5j क्या माइनस 4k क्या। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन निकालेंगे, अंडर स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, सो व्हाट विल बी दिस बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 6 आर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टू लेंगे बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 69 बराबर सेकेंड। So what will be this students under square root? ये आ जाएगा बच्चों, this is 25 plus 9 is 34, 34 plus 16 ये 50 आएगा बराबर। चलिए लिखते हैं cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 upon मैग्नीट्यूड प्लस ले मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। आई माइनस जे माइनस टू के क्या डॉट थ्री आर माइनस फाइव के क्या माइनस फोर के अपॉन रूट सिक्स इंटू रूट फिफ्टी, दिस इज इक्वल टू देखिए बच्चे इसको हम लोग क्या आयो जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, थ्री प्लस फाइव
प्लस एट अपॉन, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ इनका मल्टीप्लीकेशन, टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू 25, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 5 16 अपॉन, देखिए ये स्क्वायर रूट आएगा 2, इसका स्क्वायर रूट आएगा 5 रूट 3, 2 वन जा 8 अपॉन 5 रूट 3। सो देयरफॉर cos theta is equal to 8 upon 5 root 3. So theta is equal to cos inverse of 8 upon 5 root 3. So let us take question number 11, students. Find the angle between. Again, यहाँ पर वही करना है बच्चों. देखिए question number 11. वेक्टर बी वन लिखेंगे बच्चों, ये डी आर होते हैं बी वन के, लेकिन यहाँ दिखने देखना है, पहले यहाँ करते हैं बच्चों, विल राइट हियर एक्स माइनस टू अपॉन टू, वाई माइनस वन अपॉन फाइव, जेड माइनस ऑफ माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, ये लाइन एक्स माइनस ऑफ माइनस टू upon minus 1, y minus of 4 upon 8, z minus of 5 upon 4. देखिए बच्चों हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये माइनस एक्स वन माइनस वाई वन माइनस, इसमें इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव वन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड पॉजिटिव वन कोएफिशिएंट ऑफ जेड होना चाहिए, तो यहाँ पर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वेक्टर बी इज आई कैन रेट वेक्टर बी वन इज इक्वल टू ये टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप, राइट। इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट फोर प्लस 25 प्लस 9 आएगा, दिस इज कितना हो जाएगा फिर 22, ये 29 प्लस 38 आएगा बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 38 आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं वेक्टर बी टू लेते हैं बच्चों, वेक्टर बी टू हमारा क्या है माइनस आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टू होता है अंडर स्क्वायर रूट माइनस वन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा बच्चों वन प्लस 64 प्लस 69, तो ये हो जाएगा 81। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू अपॉन, देखिए मॉड ऑफ है बच्चों वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, तो यहाँ पे बी वन वेक्टर क्या है हमारा बच्चों, ये टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप डॉट, माइनस आई कैप प्लस एट
जे कैप प्लस फोर के कैप आ जाएगा अपॉन 9√38। ये क्या आएगा बच्चों, माइनस टू प्लस 40 माइनस 12 अपॉन 9√38। तो ये आ जाएगा बच्चों 40 माइनस 2 मीन्स 38, 38 में से 12 जाएंगे, तो 38 माइनस 12 इज इक्वल टू 26, दैट इज 26 अपॉन 9√38। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 26 अपॉन 9। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकेंड इसमें है वेक्टर बी क्या आएगा बच्चों, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप आएगा। वेक्टर बी 2 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 2² + 2² + 1² 4 + 4 = 8 + 1 = 9। ठीक है, वेक्टर बी टू इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड है 4² + 1² + 8² दिस इज इक्वल टू 16 + 1 + 64 दिस इज इक्वल टू 81 = 7। चलिए बच्चों हम लोग वेक्टर बी डॉट बी वन डॉट वेक्टर बी टू भी कैलकुलेट करते हैं। सो 2i कैप + 2j कैप + k कैप डॉट 4i कैप प्लस जे के प्लस 8k कैप दिस इज इक्वल टू 8 + 2 + 8। ये बस 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2 1 × 8 = 8 आ जाएगा, तो 16 + 18 आ जाएगा वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू। नाउ लेट अस राइट cos theta is equal to magnitude of vector b1 dot vector b2 or magnitude of vector b1 dot mod है actually okay. mod of देखिए बच्चों यहाँ mistake हमने किया या 9 है बच्चों square root of 81 is 9 यहाँ पे 9 आएगा 3 × 9 9 आ गया दिस इज 2/3 सो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर दे आर मेकिंग 90° एंगल। तो इसके पहले हमको पता होना चाहिए कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then sum of the product of their drc is equal to 0। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये है कि कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन x - x1 / a इज इक्वल टू y - y1 / b इज इक्वल टू z - z1 / c है। देखिए यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 ए पॉइंट and whose drs are a, b and c। यहाँ पर दो लाइंस दिए हैं बच्चे, तो इनको पहले तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहली लाइन कौन सी है, 1 - x / 3। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो ये दिस विल बी x - 1/3। ये आप माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू इसमें से 7 कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों, तो ये y - 2/2p है और
जो ये 7 को मैं इधर भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इक्वेशन, लेके एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3, वो 7 कॉमन निकालने के बाद में y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 और उसके बाद में छेद माइनस 3। सेकंड इक्वेशन देख लीजिए बच्चों, व्हाट इज आवर सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें से माइनस 7 कॉमन निकालना पड़ेगा पहले इसमें से। तो इफ आई टेक आउट माइनस 7 कॉमन, इट विल बी x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा। कॉल दिस एज सेकंड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों कि 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, दिस इज गिवन, सो देयरफॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर drs मींस माइनस 3 इनटू माइनस 3 अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इनटू 1 प्लस 2 इनटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, दिस विल बी 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 11p अपॉन 7 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 10 मीन्स 17 अपॉन 11 आएगा बच्चों। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या करना है कि प्रूव दैट, शो दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। पहला इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन, आई कैन राइट लाइक दिस, एक्स माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन 1। सेकेंड है देखिए बच्चों, एक्स माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन 2 छेद माइनस 0 अपॉन 3 है। तो यहां पर इक्वेशन 1 और 2 है, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ drs, और आई कैन राइट हियर, यू कैन राइट a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू माइनस 5, c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2, c2 is equal to 3. Now we can write a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2. ये निकालना है। तो ये उत्तर देखिए 7 into 1 is 7, minus 5 into 10 is minus 2, 1 into 3 is 3. So this is equal to 10 minus 10, that is equal to 0. That means sum of the products here, sum of the product of drs is equal to 0. This implies equation number 1 is perpendicular to equation number 2. That means these two lines are perpendicular to each other. So this is question number 13 which one. Now let us see question number 14 now. These are very very important questions बच्चों। ये questions examination में पूछे गए questions है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान में रखिए, these are important questions। shortest distance का जो question है बच्चों, ये examination में हर साल आता है। तो देखिए, हमने shortest distance का formula derive किया था, ये d is equal to b1 cross b2 dot a2 minus a1 upon मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू b2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें हम लोग b1 क्या है देखते हैं।
v1 is, this is the direction vector v1, I minus j plus k cap. उसके बाद में हमको चाहिए ये वन चाहिए. देखिए ये वन मीन्स वेक्टर ए वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस के कैप है. वेक्टर बी टू इज इक्वल टू ये डायरेक्शन वेक्टर देखिए बच्चों टू आई प्लस जे प्लस टू के कैप है. वेक्टर ए टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2i minus j minus k, 2i minus j minus k cap. तो ध्यान दीजिए बच्चों, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. हमको चाहिए बच्चों b1 cross b2, तो b1 cross b2 is equal to, this is the determinant, ये determinant लेते हैं. और फर्स्ट रो में i j k cap. सेकेंड रो में हमको लेना है कोएफिशिएंट्स ऑफ बी वन आई जे के कोएफिशिएंट वन माइनस वन वन और बी टू जो है बच्चों ये लेना है टू वन और ये टू आएगा. तो दिस विल बी बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर वन माइनस वन वन टू वन टू. इसको सॉल्व करेंगे बस i इन ब्रैकेट माइनस टू माइनस वन माइनस वन ब्रैकेट सॉरी माइनस j कैप इन टू तो वन इन टू टू इज टू माइनस टू देखिए इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस k कैप इन टू वन माइनस वन इन टू वन वन प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये टू आएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री आई कैप माइनस ये जीरो आ जाएगा बच्चों जीरो जे कैप प्लस थ्री के कैप आएगा बराबर. नाउ दिस इज बी वन क्रॉस बी टू है बच्चों बी वन क्रॉस बी टू. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू भी हमें चाहिए. ये यहाँ पे रखने के लिए तो इसका आएगा बच्चों अंडर स्क्वायर रूट माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन इसका जीरो का स्क्वायर नाइन. तो ये आ जाएगा बच्चों टू इंटू नाइन आएगा. तो दिस इज थ्री रूट टू आएगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज दिस विल बी थ्री रूट टू. तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों अभी इसकी वैल्यू निकाल ए टू वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन निकाल. ये दोनों ए टू माइनस वन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों. यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ टू आई कैप माइनस छ माइनस के माइनस आई प्लस टू जे कैप प्लस के कैप. तो देखिए बच्चों टू माइनस वन वन आएगा आई कैप माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जे कैप माइनस वन माइनस वन माइनस टू के कैप आएगा. नाउ वी कैन कैलकुलेट डी. नाउ सो डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर हमारा ये आया है बच्चों माइनस थ्री आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट टू माइनस ए वन लेना है. दिस विल बी आई माइनस थ्री जे माइनस टू के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू इज थ्री रूट टू. तो देखिए बच्चों ये क्या आएगा माइनस थ्री ये जीरो हो जाएगा प्लस जीरो और ये माइनस सिक्स अपॉन थ्री रूट टू. तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन आएगा और बाहर लेने के बाद प्लस नाइन अपॉन
3 root 2. This is equal to 3 upon root 2. Units. थ्री रूट टू आएगा बच्चों, दिस इज रूट टू। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो आप लोगों को ये ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए अभी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया था बच्चों, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया था, सॉरी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसको पहला इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन इसको अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू जेड माइनस माइनस 1 अपॉन 1 आएगा। दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों, x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 अपॉन 1। तो ये सेकेंड इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए वन लिखता हूँ, वेक्टर ए वन, ये माइनस आई माइनस जे कैप माइनस के कैप, बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अभी वेक्टर ए टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप आएगा। दिस सेकेंड इक्वेशन इज पासिंग थ्रू 3, 5 एंड 7। अभी डीआर ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे वेक्टर बी वन इज इक्वल टू 7, वेक्टर बी वन देखिए बच्चों 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, ये इसके डीआर से बच्चों डायरेक्शन वेक्टर। वेक्टर बी टू इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप है, राइट। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों बी वन क्रॉस बी टू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू इज इक्वल टू, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ, पहला रो लेना है आई जे के कैप, सेकेंड रो लेना है बच्चों बी वन के आई जे के कोएफिशिएंट 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आई इन ब्रैकेट माइनस 6 प्लस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू 7 इंटू 1 7 माइनस 1 प्लस के कैप, तो माइनस 14 प्लस 6 आएगा, प्लस 6, दैट मीन्स दिस विल बी माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के क्या पाएगा बच्चों, राइट। तो इसके बाद में इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा, 4 का स्क्वायर लेना है बच्चों, 16 प्लस 36 प्लस बच्चों ये 64 आएगा, 216 आएगा। चलिए इसके बाद में हमको क्या निकालना है बच्चों, देखिए वी हैव कैलकुलेटेड दिस बी वन क्रॉस बी टू, इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लिया हमने। अब ए टू माइनस ए वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन निकालिए,
We are directly done. 3 minus of minus 1, 4i. 5 minus of minus is plus 6j. 7 plus 8k. Right. Let us calculate now. D is equal to magnitude of B1 cross B2 हमारा वेक्टर ये है बच्चों माइनस फोर आई माइनस सिक्स जे माइनस एट के क्या ठीक है डॉट फोर आई प्लस सिक्स जे प्लस एट के क्या अपॉन अंडर स्क्वेयर रूट 116 आए, so D is equal to ये क्या आएगा बच्चों 16 ये मल्टीप्लिकेशन है माइनस 16 माइनस 36 6 इनटू 6 36 माइनस 64 अपॉन अंडर स्क्वेयर रूट 116 तो ऊपर ये 116 आएगा बच्चों मैग्नीट्यूड मॉड है तो प्लस हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 116 तो वी कैन से दैट डी इज इक्वल टू इसको कैंसिल कर अंडर स्क्वायर रूट 116 यूनिट्स सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों इसको आपको ध्यान से देखना अगेन सी हियर Question number 16. Let us see one more just to practice it. Question number 16 देखिए. यहाँ पर दो find the shortest distance between the lines. उस vector equations दिए. पहले के जैसा ही question है बच्चों. ये vector ये one. I plus 2j plus 3k क्या? Vector B is equal to B1 is equal to I minus 3J plus 2K cap. Vector A2 is equal to 4I plus 5J plus 6K cap. Vector B2 is equal to ये आ जाएगा 2I cap. प्लस 3j कैप प्लस k कैप तो यहां पर हम लोग निकालेंगे बच्चों लेट अस कैलकुलेट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 4 माइनस 1 3i कैप प्लस 5 माइनस 2 3j कैप प्लस 6 माइनस 3 मींस 3k कैप चलिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालते हैं I, J, K, 1, minus 3, 2, 2, 3, 1, I into minus 3, minus 6, minus J cap into 1, minus 4, प्लस के कैप इनटू 3 प्लस 6 आएगा बच्चों सो दिस इज इक्वल टू माइनस 9 आई कैप ये क्या आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस ये माइनस 3 इनटू माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप आएगा बराबर है B cross B1 cross B2 बचना this is B1 cross B2 B1 cross B2 right now let us calculate magnitude of B1 cross B2 is equal to ठीक है now let us calculate D D is equal to B1 देखिए हमको b1 क्रॉस b2 वेक्टर लेना है ये आ जाएगा माइनस 9 आई कैप
plus 3j cap plus 9k cap dot a2 minus a1 3i cap plus 3j cap plus 3k cap. Upon 3 under square root 19. देखिए बच्चों ये आएगा माइनस 27 प्लस 9 प्लस 27 अपॉन 3 रूट 99. दिस विल गेट कैंसल. सो 9 अपॉन 3 अंडर स्क्वायर रूट 9 3 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 19 यूनिट्स आ जाएगा. आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप. ये है तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. देखिए तो इसको क्या करेंगे, दिस विल बी आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप. राइट, तो इसको लिख सकते हैं हम बच्चों आई माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. आप देखिए बच्चों यहां पर जो टी टर्म्स जो है वो देख रहे हैं आपको, यहां पर है कि ये टी और यहां टी है और ये टी है, इसमें से टी कॉमन निकाल लीजिए. विल टेक आउट टी कॉमन प्लस टी इनटू ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. इस इक्वेशन नंबर 1 हो गया इसको. सेकेंड इक्वेशन देखिए, अभी वेक्टर आर इज इक्वल टू यस प्लस 1 आई कैप प्लस 2 यस माइनस 1 जे कैप माइनस 2s plus 1 k cap. So I can write this as yes. देखिए यहाँ i को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, i माइनस j cap माइनस k cap है, वो चाहिए माइनस k cap प्लस. अभी देखिए यहां यस वाई कॉमन निकाल रहा हूं, यस कॉमन, यस कॉमन निकालने के बाद में क्या आ जाएगा, ये यस कॉमन निकालने के बाद में यस से मल्टीप्लाई किया तो आई कैप इस इधर प्लस 2 जे कैप और इधर माइनस 2 के कैप आएगा. उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 फिर से चेक करते हैं. आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 2 एस है मीन्स 2 आई या यस है आई कैप 2 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर. दिस इज वेक्टर आर. अभी वेक्टर बी वन इज इक्वल टू ये है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. वेक्टर बी टू इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. ये डायरेक्शन वेक्टर से हो चुकी है, ठीक है. नाउ वी विल राइट बी वन क्रॉस बी टू.
is equal to I J और K पे आप आए गए माइनस वन वन माइनस टू वन टू माइनस टू ठीक तो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू I इंटू माइनस टू प्लस फोर टू इंटू टू प्लस फोर हो जाएगा माइनस जे कैप ये जे माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस के कैप इंटू माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन दिस इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस थ्री के कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन आएगा सो दिस इज अंडर स्क्वायर रूट 29 आएगा अब वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन हमारा ए टू वेक्टर कौन सा है बच्चों ये है दिस इज ए टू और दिस इज ए वन सो ए टू मीन्स व्हाट आई माइनस जे माइनस के क्या माइनस माइनस सॉरी आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप ये आई माइनस आई जीरो आए माइनस वन प्लस टू प्लस जे माइनस वन माइनस थ्री प्लस फोर के कैप है जे प्लस देखिए फिर से मैं देखिए बच्चों ये बराबर है माइनस वन और ये माइनस थ्री माइनस फोर के आएगा Now we can write magnitude means distance. D is equal to vector B1 cross B2 dot vector A2 minus vector A1 upon magnitude of B1 cross B2 I. तो B1 cross B2 हमारा जो आया है बच्चों This is ये B1 cross B2 2i minus 4j cap minus 3k cap dot A2 minus 0i plus j cap minus 4k cap so magnitude under square root 29 this is equal to 2 into 0, 0 आएगा माइनस 4 into 1 माइनस 4 माइनस 3 into माइनस 4 प्लस 12 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 सो दिस इज इक्वल टू बच्चो 8 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन बच्चों